कोरोना से लड़ने का भी एकमात्र हथियार वैक्सीनेशन है, इसलिए बुजुर्गों के बाद जब 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग किशोर और किशोरियों को टीका लगवाने का मौका मिला तो वे बेहद उत्साहित दिखे। सोमवार को झरिया के राज प्लस टू हाई स्कूल में 15 से 18 वर्ष के किशोर और किशोरियों को कोरोना का टीका लगाया गया, जहां पहले दिन ही किशोर और किशोरियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान टीका लगवाने आए किशोर और किशोरियों ने कोरोना से लड़ने को लेकर वैक्सीनेशन को ही एकमात्र हथियार बताया। झरिया के राज प्लस टू हाई स्कूल में सुबह 12 बजे से टीकाकरण शुरू हो गया था। यहां 15 प्लस वालों के लिए अलग से एक कक्ष था, जहां सुबह शुभारंभ के दौरान टीका लगवाने से पहले किशोरियों की लंबी लाइन देखी गई। राज प्लस टू हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक मोहम्मद राहत हुसैन ने बताया कि आज 200 बच्चों को कोविड का पहला टीका दिया जा रहा है। बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोविड के रोकथाम के लिए वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है। पूरे जिला में बल्कि पूरे स्टेट में आज से 15 साल से और 18 साल के बीच के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया। तो ये मतलब जिला की बात कर रहे हैं, जिला में आपके स्कूल में पहला? नहीं, मैं झरिया प्रखंड में 3 स्कूल है जी। आपको पाथरडी है, डीएवी पाथरडी, एक और है राज प्लस टू है। अभी तक कितने छात्र छात्राओं को चुका है? अभी तक एक तो स्लॉट नया होने के कारण लेट से खुला ही है, जिस कारण लेट से शुरू हुआ, 12:30 बजे से स्टार्ट ही हुआ है। अभी तक लगभग 20 को हुआ है। कितने स्टूडेंट को लगा? 200 स्टूडेंट का दिया है। अच्छा, क्या नाम है? मोहम्मद राहत हुसैन। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी, क्योंकि आजकल और ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा है और अभी चौथा पीढ़ी भी आ रहा था, हम लोग के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और जो कि अभी हम लोग के लिए सरकार निकाले 15 से 18 साल तक के लिए, जो कि न्यू वैक्सीन निकाला गया, पहले तो दूसरा लोग का था 18 से ऊपर, लेकिन अभी ये भी आया है, तो अभी तो लेना ज़रूरी है। इससे दर्द वर्द नहीं होता है, बस थोड़ा फीवर आएगा, फिर बाकी बस तो ठीक हो जाएगा बस। क्या नाम हुआ? रिया कुमारी साहब।